स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 12 क्या कह रहा है, 3 क्यूब्स ऑफ अ मेटल हुज एड्स आर इन द रेशियो 3:4:5 आर मेल्टिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू अ सिंगल क्यूब हुज डायगोनल इज 12√3 सेंटीमीटर। फाइंड द एड्स ऑफ द 3 क्यूब्स, हमें क्या निकालना है, इन 3 क्यूब्स का एड निकालना। देखिए क्या कर रहा है कि हमारे पास 3 क्यूब्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 क्यूब्स बना लेता हूँ, ठीक है ना भाई, एक हो जाएगा, दूसरा थोड़ा सा इससे बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि रेशियो देख लो 3:4 है ना 5, और ये तीसरा मैं बना लेता हूँ, ठीक है, इसको और थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, और इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाना है। हो सकता है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, होगा ही, जाहिर सी बात है उससे और बड़ा हो जाएगा, तो ये सिंगल क्यूब बनाते हैं इन तीनों को मेल्ट करके, ठीक है ना जी। तो मैं इस क्यूब को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 9th क्लास का ही अभी देखो जो भी हम लोग क्वेश्चन बना देंगे, सब 9th क्लास में भी आपने भी देखे हुए हैं, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इनके एड्स का रेशियो दिया है तीनों क्यूब्स के। ये फर्स्ट क्यूब ले लेते हैं, ये सेकंड लेते हैं और ये थर्ड लेते हैं, और इन तीनों को मेल्ट करके ये बन रहा है। तो यहाँ 3:4:5 है, तो इसको 3x, इसको 4x, और इसको हम लोग यहाँ पे 5x लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द एड्स ऑफ 3 क्यूब्स B, 3x, 4x and 5x, और इन्हीं तीनों को मेल्ट करके इसको फॉर्म किया जा रहा है ना जी। तो यहां पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब इक्वल टू में द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन क्यूब, ठीक है ना जी, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा इसके साइड का क्यूब, और इन तीनों का तो 3x का क्यूब, 4x का क्यूब और 5x का क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे साइड यानी इसके एड्स का क्यूब जो होगा ये 27x क्यूब, ये 64x क्यूब और ये 125x क्यूब। अब चलिए इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइड का क्यूब इक्वल टू में देखिए 27x क्यूब है और प्लस में है 64, तो ये दोनों मिलके 91 और प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये आपका 125, तो ये 216 आ जाएगा, 216x क्यूब। यहाँ से साइड का क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 6x का क्यूब, यानी कि इसका जो एड्स हो जाएगा, साइड जो हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंगल जो क्यूब बन रहा है उसका डायगोनल दिया हुआ है, इसका डायगोनल ये दिया हुआ है 12√3, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ सिंगल जो क्यूब है, सिंगल क्यूब उसका डायगोनल दिया हुआ है 12√3 सेंटीमीटर। तो क्या होता है डायगोनल ऑफ, रूट थ्री इंटू में इसका साइड इक्वल टू में 12√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ √3 हटा दो, साइड है आपका 6x इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, ये डिवाइड जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग तीनों क्यूब का यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एड्स निकालना है। देयरफॉर एड्स ऑफ फर्स्ट क्यूब कितना था, 3x था ना जी, 3x था तो 3 इंटू में 2 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर, है ना जी। फिर दूसरे वाले के लिए चलते हैं, फिर हो जाएगा यहाँ पर एड्स ऑफ सेकेंड क्यूब, सेकेंड वाले क्यूब का एड्स क्या हो जाएगा, तो 4x है तो 4 इंटू में यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड वाले के लिए एड्स ऑफ थर्ड क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर
फाइव एक्स था, तो 5 × 2 cm यानी कि ये 10 cm हो जाएगा, समझ गए ना। तो 6, 8, 10 उनके एड जा गए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm इज मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन ईच ऑफ रेडियस 3.5 cm एंड हाइट 3 cm, फाइंड द नंबर ऑफ कोन सो फॉर्म, कितने कोन्स फॉर्म होंगे। देखिए एक स्फेरिकल मेटालिक कह सकते हैं यहाँ पर सॉलिड है, और इसको मेल्ट करके हमें क्या करना है, कोन्स बनाने। इसका रेडियस कितना दिया है यहाँ पर, इसका रेडियस यहाँ दिया है 10.5 cm। इसको फॉर्म मेल्ट करके इसको कास्ट करना है किसमें, कोन में, और कोन का यहाँ पर दिया हुआ है हाइट और रेडियस। जैसे कितने कोन बन सकते हैं ये हमें बताना है, तो कोन का हाइट और रेडियस क्या क्या दिया है उसको भी हमें दिखा देते हैं। चलिए तो हाइट दिया है यहाँ पर 3 cm और रेडियस दिया है यहाँ पर 3.5 cm। चलिए अब इसके बाद देखिए, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया है जी, उसको कैपिटल आर से नोट कर देते हैं, वो दिया है आपका 10.5 cm। अच्छा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन कितना दिया है इसका रेडियस, 3.5 cm, और हाइट ऑफ द कोन का हाइट 3 cm। तो हमें क्या निकालना है जी, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स कितने फॉर्म होंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसी को ना मेल्ट करके ऐसे कोन्स बनाए जा रहे हैं, तो हम लोग इसके वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बाई में वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए तो काम बन जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए कैपिटल आर डिनोट कर रहे हैं ना जी ऊपर। चलिए 1/3 πr²h, तो यहाँ पाई और थ्री कट जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद देखते हैं ऊपर, देखिए क्या हो जाएगा, 4 × r³, यानी r कितना, 10.5, तक 10.5 × 10.5 × 10.5 cm³। और यहाँ पे देखिए r कितना है, 3.5, तो 3.5 × 3.5, और h का वैल्यू है यहाँ पे 3 cm³। ये इससे कैंसिल, अब देखिए क्या होता है, तो ये 10.5 में डिवाइड कर देंगे 3.5 से, तो कितना टाइम्स में चल जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, ये भी आपका 3 टाइम्स में चला जाएगा, एक 3 से 3 का ठीक है, तो 4 × 3 = 12, और 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितना से, 10.5 से, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका 126 cubes होंगे। नंबर ऑफ कोन्स कितने हो जाएंगे, 126 कोन्स फॉर्म होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फीयर इज इक्वल टू द 9 cm। ठीक है, डायमीटर दिया मेटालिक स्फीयर का, तो रेडियस 4.5 हो जाएगा, इज मेल्ट एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर ऑफ डायमीटर 2 cm having uniform cross section, यानी क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसका जो मोटापा जो है ना वायर का एकदम इक्वल है, समझ गए ना। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे ये पाइप हो गया, तो इसका क्रॉस सेक्शन ये होता है, तो ये वाला पार्ट हमेशा क्रॉस सेक्शन जो है यूनिफॉर्मली है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, देखिए क्या कह रहा है, एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया है 4.5, क्योंकि डायमीटर दिया है 9, तो रेडियस 4.5 हो जाएगा ना जी, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.5 cm, और इसको मेल्ट करके एक वायर में ड्रॉ करते हैं, एक वायर बनाते हैं, ठीक है ना जी, एक वायर बनाते हैं इस तरह से, डायमीटर 2 mm दिया है, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 1 mm, तो इसका 1 mm रेडियस हो जाएगा, और इसका लेंथ हमें निकालना है, जिसको l सपोज कर देते हैं, लेते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लेंथ जो है एल लेते हैं, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, तो 2/2 mm, यानी कि 1 mm आ जाएगा, 1 mm, तो 1 mm आ गया, इसको सेंटीमीटर में डिवाइड करने के लिए हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 0.1 cm, ठीक है। अच्छा, और इसका रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर
मेटालिक स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर से डिवाइड कर दो, वो क्या हो जाएगा, तो 9/2 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा, क्योंकि उसी को ना मेल्ट करके वो बनाया जा रहा है स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मेल्ट करके यहाँ पे सिलेंडर ये वायर बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ वायर जो होगा वह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा, ठीक है ना जी। तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है, तो ये सिलेंड्रिकल है तो यहाँ हो जाएगा पाई इसके रेडियस का स्क्वायर और इनटू में इसका लेंथ जो होगा वो, ठीक है ना जी। और रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर आर है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। चलिए देखिए पाई से पाई कैंसिल, अब देखिए आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस देखिए कितना दिया हुआ है, 1/10 लिख दें या 0.1, तो 1/10 ही ले लो अच्छा रहेगा, 1/10 इंटू में 1/10 इंटू में एल इक्वल टू 4/3 आर, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 4.5 या 9/2 लिख दो, 9/2 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है और इधर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो कट गया मैंने डायरेक्ट सेंटीमीटर लिख दिया। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 2 2 4 और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 × 9 × 9/2 × 10 × 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 से इसको काट सकते हैं 5 टर्म्स में, तो कितना बच जाएगा अब इसके बाद, एल 9 9 81 और 81 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका हो जाएगा आपका कितना 243 और इंटू में यह 50, तो आपका आ जाएगा 12,150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू में 12,150 सेंटीमीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एन आयरन स्फेरिकल बॉल हैज बीन मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्मॉल बॉल्स ऑफ इक्वल साइज। अच्छा, स्मॉल बॉल में उसको रिकास्ट करना है, आयरन बॉल को मेल्ट करके स्मॉल साइज में, है ना। इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द स्मॉल बॉल इज 1/4 द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल बॉल, ओरिजिनल बॉल के रेडियस का इसका रेडियस 1/4 है, हाउ मेनी सच बॉल्स मेड। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, कंपेयर द सर्फेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल बॉल्स कंबाइनिंग टूगेदर विद द ओरिजिनल बॉल। अच्छा देखिए, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल बी आर, देन रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो वो क्या है जी, 1/4 है इस वाले का, तो r/4, ठीक है, या फिर 1/4 r भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है कि इस ऐसे कितने बॉल्स बन सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल बाई में वॉल्यूम ऑफ इच स्मॉलर बॉल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल यही हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर बाई 4 का क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये इससे कैंसिल, आर क्यूब और बाई में है आर क्यूब बाई 64, ये इसे कैंसिल, यानी कि 64 ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करके 64 नंबर ऑफ बॉल्स होंगे। क्या कह रहा है फिर, अब यहाँ हमें किसका कंपेयर करना है, कंपेयर द सरफेस एरिया ऑफ द ऑल स्मॉल बॉल कंबाइंड टुगेदर विद द ओरिजिनल बॉल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉलर बॉल कंबाइंड टुगेदर बाई में, कंपेयर करना किसके साथ, यहां पे सरफेस एरिया ऑफ कौन सा बॉल है जी अपने पास दिया हुआ, ओरिजिनल बॉल लिख देते हैं, ओरिजिनल बॉल। देखिए अब देखिए कितने बॉल्स हैं, 64 है,
64 और इनटू में यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 इनटू में यहाँ पे लिख सकते हैं उसका 4 पाई आर बाई 4 उसका रेडियस था, उसका स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर था ना, 1 का सरफेस एरिया तो 64 है। नीचे वाले का हो जाएगा यहाँ पर, नीचे वाले का ओरिजिनल बॉल का यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 64 इंटू में आर स्क्वायर बाई में 16 और इंटू में आर स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा यहाँ पे 4 और नीचे वन, यानी कि 4:1 दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे कंपेयर करने पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक कॉपर वायर कॉपर स्पेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर मेल्ट एंड रिकास्ट इंटू राइट सर्कुलर कोल ऑफ हाइट इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोल। देखिए एक कॉपर स्फीयर स्फेरिकल मेटल है, कॉपर का बना हुआ है, सॉरी एक स्फेरिकल बॉल है, इसको मेल्ट करके यहाँ पर एक कोन बनाना है, मैं कोन यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कोन बना देता हूँ, इस तरह से एक कोन बनाना है। इस कोन का हाइट दिया है, हमें रेडियस ऑफ द बेस निकालना है, या इसके रेडियस ऑफ द बेस हमें पता करना है। तो हाइट दिया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस आर ले लेते हैं, और इस स्फीयर का जो है रेडियस ये भी आर ही ले लेते हैं, क्योंकि इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बी आर, स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, एंड यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द कोन उसको एच से डिनोट कर देते हैं, जो कि है 3 सेंटीमीटर, अच्छा, और रेडियस ऑफ ये कितना है 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द स्फेयर क्या है जी, इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कह रहा है, इसका हमें रेडियस ऑफ द बेस जब इसी को मेल्ट करके ये बनाना है तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना जी, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 4/3 पाई आर का क्यू, इसका रेडियस कैपिटल आर से डिनोट किया हमने, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर नहीं पता है, एच का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 इंटू में आर क्यूब है, तो यहाँ 3 इंटू में 3 सेंटीमीटर क्यूब, चलिए इसको डिवाइड में देता है, आर स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा क्या, यहाँ पे 4 इंटू में 3 बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बात को समझे ना, यहाँ 1 सेंटीमीटर था, इसे कट गया 3 से 3 कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन वह क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस डेट मीन्स वहाँ पे हमें उसके बात करना होगा डायमीटर से, ठीक है ना जी। देखिए एक कॉपर रॉड है इस तरह से, ठीक है, और इस कॉपर रॉड को मेल्ट करके कह रहा है कि यहाँ पर हमें वायर फॉर्म करना है, इस तरह से वायर फॉर्म करना है, और वायर का जो है हमारे पास लेंथ दिया है 18 मीटर, तो हमें इसका थिकनेस बताना है ये पूरा, तो इसके रेडियस को हम लोग आर सपोज कर लेते हैं, तो थिकनेस 2 आर हो जाएगा, अच्छा इसका लेंथ कितना होगा 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं रेडियस ऑफ द रॉड है ना जी, रॉड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं तो 1/2 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द रॉड का लेंथ
इसको हम लोग 8 से जोड़ कर लें कैपिटल एच से, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना जी। अच्छा हमें क्या निकालना है, थिकनेस ऑफ द वायर, लेट आर बी द रेडियस ऑफ वायर, तो थिकनेस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा, तो वह 2R हो जाएगा, ठीक है ना जी। और लेंथ ऑफ द वायर क्या है, उसे एल से जोड़ कर दो, जो कि 18 मीटर है। सेंटीमीटर में कर ले क्या, सब सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, यहां से हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो ही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो एक्चुअल में जब इसको मेल्ट करके, रॉड को मेल्ट करके वायर बनाया जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड, ठीक है ना जी। तो चलिए अब दोनों के वॉल्यूम इक्वल करें, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर ये रहा, यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे यहाँ पे हमने एल सपोज किया, और इधर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड इसका पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आर नहीं पता है, एल का वैल्यू पता है 1800 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर आर कैपिटल आर कितना है, 0.5 है, तो 0.5 इंटू में 0.5 और इंटू में एच का वैल्यू कितना है 8, ठीक है ना जी, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसको डिवाइड में ले जाता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो 0.25 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना जी, और बाई में यहाँ 1800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर जाके डिवाइड होगा वहाँ, चलिए इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, 900, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकते हैं यहाँ पर 1/30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा रेडियस इक्वल टू में 1/30 सेंटीमीटर, 1/30 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना जी। तो ये आपका रेडियस आ गया, तो हमें थिकनेस निकाला था ना जी, यहाँ पे थिकनेस ऑफ द वायर, वायर का थिकनेस क्या था, 2 टाइम्स था रेडियस का, यही ना था जी, 2 इंटू में 1/30 सेंटीमीटर, इसे काट देते हैं 1/15 सेंटीमीटर है, 1/15 सेंटीमीटर है, तो एक काम करो इंटू कर दो यहाँ पे 10 से, तो ये किस में बदल जाएगा, मिलीमीटर में हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में 0.67 mm आएगा, एक्चुअल में ये आएगा 0.66666, तो एक को हटाकर बाकी सबको हटाकर यहाँ लास्ट वाले को, यहाँ पे सेकंड वाले को 7 कर दिया, तो ये अप्रॉक्स में इतना mm हो जाएगा थिकनेस ऑफ द वायर। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।